हे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि काइट ऐप में जीरोधा काइट का जो ऐप है उसमें डीमैट अकाउंट ओपनिंग चार्जेस कितना लेता है कि नहीं लेता है, डीमैट एएमसी यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज कितना लेता है। तो ये क्वेरा मैक्स, डज जीरोधा चार्ज इवन व्हेन यू डोंट ट्रांसैक्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 50,000 से ऊपर का लेन देन किया तो आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देना होगा। और लिखा है इफ योर होल्डिंग वैल्यू इज मोर देन 50,000 एंड लेस देन 2 लाख then AMC will charge 100 rupees per year. AMC charge करेगा 100 rupees. If it crosses 2 lakh, then that DMAT account will be treated as normal DMAT account. मतलब ये आपसे 300 रुपये लेगा। अगर 2 लाख से आपने ऊपर का ट्रांजेक्शन किया then DMAT account की फीस हो जाएगी 300 रुपये, और 2 लाख के नीचे 50,000 से ऊपर 2 लाख, 50,000 से लेकर 2 लाख के बीच का जो ट्रांजेक्शन किया अगर आपने, तो उसका आपके होल्डिंग्स में अगर 50,000 से 2 लाख के बीच का अगर ट्रांजेक्शन होता है तो आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। और अगर 2 लाख को 2 लाख अबव है तो आपको 300 रुपये पर ईयर देने होंगे। और देने कब होते हैं? Which will be deducted from your trading account on 31st March. 31 March को आपके trading account से पैसे कट जाएंगे of every year. हर महीने के 31 तारीख को, 31 March को पैसे आपके कट जाते हैं। If this DMAT account is not your first DMAT account and already you have existing DMAT account, then it will be treated as normal DMAT account and AMC will be 300 per year and it is calculated in pro rata basis. Like example, if मतलब आपके अगर ये पहला डीमैट अकाउंट नहीं है, मतलब आपका अगर ये पहला डीमैट अकाउंट है तो आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे होल्डिंग्स के। इफ योर अकाउंट एक्टिवेटेड टुडे विच इज 24 जनवरी, देन यू हैव टू पे ओनली दोज डेज इन विच योर डीमैट अकाउंट इज एक्टिव, लाइक 366 days, the number of days till 31st March. Thank you and happy trading. मतलब आपका अगर ये first DMAT account नहीं है तो आपको 300 रुपये देने होंगे for account maintaining charge. Zerodha is safe and reliable for trading. Zerodha सबसे सेफ रहता है, आप स्टॉक से ज़्यादा सेफ है और 5 पैसा से भी ज़्यादा सेफ है, रिलायबल है एज माई कंसर्न। आई नेवर रिकमेंड Zerodha नाउ टू एनी वन, never ever think of opening a demat account in Zerodha if you don't have one already. I would, you already have one and love your capital, don't trade using Zerodha. Inka bhi dekh lete hain ki ye kya keh rahi hain mohtarma. Professional stock market trader hain नेशनल स्टॉक चेंज में, श्रद्धा नंचिल चाहिल जो भी है इनका सरनेम, आई डिड नॉट प्रोनाउंस क्लियरली।
I have used Zerodha for over 3 years before I stopped using their platform completely since 2018. I have even recommended Zerodha as broker couple of time here at Quora also. Still, I switched to another discount broker. My reason were mostly there the frequency of their technical glitches and non-responsive customer service exactly at same time. तो traders ये सब बुराई करने वाले लोग हैं, ये आपको हर जगह मिलेंगे, चाहे आप स्टॉक्स ले लीजिए, चाहे Zerodha ले लीजिए, चाहे जो भी ब्रोकर ले लीजिए, ये ब्रोकर की बुराई करते हैं, ब्रोकर के बारे में बुरा ही लिखते हैं। तो ये पूरा वीडियो था कि अगर आपका पहला डीमैट अकाउंट है, अब इसमें ये नहीं लिखा है कि डीमैट अकाउंट Zerodha में है कि किस में है, लेकिन अगर आपका पहला Zerodha में अकाउंट है और आपकी होल्डिंग्स के वैल्यू 50,000 से नीचे है, देन Zerodha डजेंट चार्ज एनी AMC एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, कोई भी नहीं लगता है। इफ़ योर होल्डिंग वैल्यू इज मोर देन 50,000 और 50,000 के ऊपर है और लेस देन 2 लाख है, सो इट विल बी फाइन 100 रुपीज। ओके, आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।